के राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर अभी भी कुछ साफ नहीं हो सका है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने यह साफ कर दिया है कि महागठबंधन से राज्यसभा के लिए एक ही प्रत्याशी होगा, लेकिन प्रत्याशी के नाम का उन्होंने खुलासा नहीं किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि प्रत्याशी के नाम पर दोनों दलों में सहमति है और ऐलान रांची में जल्दी ही किया जाएगा। तो आपको बता दें कि रांची में उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी, तो ये साफ कर दिया, हालांकि पत्ते अभी नहीं खोले हैं, लेकिन ये साफ कर दिया है कि महागठबंधन से एक ही उम्मीदवार होगा। अब एक उम्मीदवार क्या कांग्रेस से होगा या एक उम्मीदवार जेएमएम से होगा, इस बात का खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी और हेमंत सोरेन के बीच जो बातचीत हुई है उसमें इस पूरे मामले पर समाधान निकाल लिया गया है। नंबर वन का जवाब है कि कैंडिडेट कांग्रेस का होगा कि मेरा होगा ये नहीं बताऊंगा। नंबर दूसरे का जवाब कि इसका अनाउंसमेंट राजनीतिक कारणों से भी अभी नहीं दे सकता। घोषणा दिल्ली से होगी या रांची से? घोषणा दिल्ली से हो या झारखंड से हो, घोषणा होना तय है, क्योंकि आदरणीय गुरुजी का संदेश सोनिया जी को तक पहुंचा दी गई है, तो सोनिया जी का भी संदेश गुरुजी तक पहुंचना जरूरी है, उसके उपरांत ये घोषणाएं होंगी। इस बीच झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि गठबंधन की तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा के लिए होगा, इसकी संभावना पूरी है। उधर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का चरित्र ब्लैकमेलिंग का रहा है। राज्यसभा चुनाव पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और हम समझते हैं राज्यसभा चुनाव पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी की, केसी वेणुगोपाल जी की बातचीत कल हुई है और बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है। हम ये कह सकते हैं कि जो हम लोग सोचते थे, जो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से कहा था, निवेदन किया था, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं सहमति देने का काम किया है। देखिए, ये तो स्वार्थ की राजनीति यहाँ पर करते हैं हमेशा। जब जब इनके कांग्रेस के समर्थन से सरकार झारखंड में बनी है, लूट और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँचा है। आपको याद होगा मधुकुड़ा जी के समय किस प्रकार ने कांग्रेस के समर्थन से कांग्रेस के लोगों ने झारखंड को बर्बाद करने का काम किया था। और आज भी चूँकि कांग्रेस का चरित्र है कि ब्लैकमेलिंग, और राज्यसभा में मुझे लगता है कि ये भी ब्लैकमेलिंग का कार्य अभी कांग्रेस और जेएमएम के बीच चल रहा है। ये चाहते हैं कि जेएमएम में को हम दबाव दे करके हम अपना प्रत्याशी बनाने का काम करें, परंतु उनका आंतरिक मामला है, वो उनका विषय है, वो जो तय करेंगे वो अब सम्मुख सामने होगा।